Mawlana Muhammad ये किताब हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि लफ्ज बफ्ज कशफुल महजूब में जो लिखा है उसे आपके सामने पेश किया जाए मगर फिर भी हमसे कोई भूल हुई हो तो दाता साहब से माफी चाहते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जहाँ कोई बात समझ में ना आ रही हो तो उसे आप महजूब से किताब से मिलाकर सही मानी पता कर सकते हैं ताकि आपको सही मालूम मिल सके हम सबको अल्लाह अपने हबीब वसल्लम सल सदके तोफ़ी दे कि हम सही इल्म हासिल करें और उस पर चलकर कर मार्फते इलाही हासिल करें अल्लाह ताला हम सब सबका हामीनासर और मदद करने वाला है बेशक वही ज़ात है जिसने हमें पैदा किया और वही हमें अपनी तरफ लौटाने वाला है सातवां कشف हिजाब रोजे के बयान में औज बिललाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सलेम सातवां कشف हिजाब रोजे के बयान में अल्लाह ताला का इरशाद है या अय्युहल आमनू बाईकुमस अलबकर एक सौ त्रयासी अ ई तुम पर रोजे फ़र्ज किए गए हैं हजूर अक्रम सल्हस का इर्शाद है कि जबरीलम ने मुझे ख़बर दी है कि हक तारा फरमाता है रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूँगा या मैं ही इसकी जजा दूँगा बुखारी इसलिए के रोज़ा बातनी इबादत है जिसका जाहिर से कोई ताल्लुक नहीं और किसी दूसरे को ये मालूम ही नहीं हो सकता कि ये रोज़ादार है इस बिना पर इसकी जजा भी बेहद हिसाब है उल्मा फरमाते हैं कि दखूल जन्नत तो रहमत के तुफ़ैल में होगा और वहाँ दर्जात इबादत के सदका में और हमेशा रहना रोज़ेदार के लिए होगा क्योंकि हक ताला फरमाता है मैं ही इसकी जजा दूंगा हज़रत जुनेुनेद बगदादी अलह फरमाते हैं कि रोज़ा आधी तरीकत है बकसरत मशाइ को देखा है कि वो हमेशा रोज़ा रखते थे और बाज़ मशाइ को देखा है कि वो सिर्फ माह रमज़ानमबारक के रोज़े रखते थे इनका ये अमल इसलिए था कि रमज़ान के रोजे से सवाब हासिल हो और माँ सिवा दिनों में रोजा ना रख कर रयाकारी से महफूज रहें मैंने ऐसे मशा को भी देखा है कि जिनको रोजादार होते हुए भी कोई ना जानता था कि वो रोज़े से हैं अगर कोई खाना सामने ले आता तो खा भी लेते और नफ़ल रोज़ा इफ्तार कर लेते ताकि रोज़ादार होना मालूम ना हो ये तरीक़त सुन्नत के ज़्यादा मुफ़्क़ है क्योंकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और हज़रत हिफ्सा अन्हुमा की हदीस में है कि नबी करीम अलैहि वसल्लम जब एक दिन इनके यहाँ तशरीफ़ लाए तो दोनों ने अर्ज़ किया

यानी चांद की तेरह चौदह और पंद्रह तारीखों में और मुहर्रम के दस दिनों में रोज़े रखा करते और माह रमज़ान और शैबान में भी रोज़े रखते थे हदीस में ये भी वारद हुआ है कि आप दाऊदी रोज़े रखा करते और इसे खैराम फरमाया करते थे दाऊदी रोज़ा यह है कि एक दिन रोज़ा रखे और दूसरे दिन इफ्तार करे एक मरतबा शेख अहमद बुखारी रहमतुल्ल के पास मैं गया तो एक तबाक हलवे का इनके पास रखा हुआ था और वो इससे तनावल कर रहे थे मुझे इशारा करके फरमाया खाओ मैंने बचपन में आदत के मुताबिक कह दिया कि मैं रोजे से हूँ फरमाया क्यों रोज़े रखते हो मैंने कहा फ़लाँ बुजुर्ग की मवाफत में रोजे रखता हूँ उन्होंने फरमाया कि ये बात दुरुस्त नहीं है कि किसी मखलूक की कोई मखलूक मुताबियत करे मैंने इरादा किया कि रोजा इफ्तार कर लूँ उन्होंने फरमाया जब तुमने फलाम बुजुर्ग की मुताबियत तर्क करने का इरादा किया है तो अब मेरी भी मुाफिकत ना करो क्योंकि मैं भी एक मखलूक हूँ रोजे की हकीकत रोजे की हकीकत रुकना है और पूरी तरीकत इसमें पिनहा है रोजे में अदना दर्जा भूखे रहना है क्योंकि अल्जु तमाम फिल अर्दे भूखा रहना जमीन पर खुदा का काम है भूखे रहने को शरीयत और अकल दोनों पसंद करते हैं हर मुसलमान आकिल बाल तंदरुस्त मुक़ीम पर एक माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं जो रमज़ान का चांद देखने से शवाल का चाँद देखने तक है हर रोजे के लिए नियत दुरुस्त और अदायगी में सिद को अखलास होना चाहिए रुके रहने के शराइ बहुत हैं मसलन मैदे को खाने पीने से रोके रखना और आँख को शहवानी नजर कान को गईबत सुनने जुबान को बेहुदा और फितना अंगेज बातें करने और जिस्म को दुनियावी और मुखालफत हुक्म इलाही से रोके रखना रोजा है जब बंदा इन तमाम शराइ की पैरवी करेगा तब वो हकीकता रोजेदार होगा हजूर अक्रम सल्हु वसलम का इरशाद है कि जब रोज़े रखे तो अपने कान आँख जुबान हाथ और जिसम के हर वजू का रोज़ा रखे बहुत से रोजेदार ऐसे हैं जिनका रोज़ा कुछ फ़ायदा मंद नहीं होता बजुज इसके कि वो भूखे और प्यासे रहते हैं दाता सयदनादाता गंजब्श्श रहमतल्ला फरमाते हैं कि मैंने हजूर अक्रम सल्लु वसल्लम को ख्वाब में देखा तो अर्ज़ किया या रसूल सल्हु वसम मुझे कोई नसीहत फरमाइए हजूर सल्लाम ने फरमाया अपने हवास को काबू में रखो ये मुकम्मल मुजाहिदा है इसलिए कि तमाम अलूम का हसूल इन्हीं पाँच दरवाज़ों से होता है देखने से सूंघने से चखने से सुनने से और छूने से ये पाँच हवास इल्मो अकल के सिपाशलार हैं अव्वल चार के लिए तो एक मखसूस जगह है लेकिन पाँचवा तमाम बदन के हिस्सा में फैला हुआ है आँख जो देखने की जगह है वो रंगो बशरे को देखती है और कान जो सुनने की जगह है वो खबरों आवाज़ों को सुनता है और जुबान ज़ायका और चखने का मुकाम है वो मज़ा और बेमज़ा को पहचानती है नाक सूंघने का मुकाम है जो खुशबू और बदबू का अदराक करती है और लमसन यानी छूने के लिए कोई मुकाम खास नहीं है बल्कि तमाम जिस्म में इसका अदराक फैला हुआ है इंसान के तमाम अज़ा में नर्मी व गर्मी सख्ती व सर्दी का एहसास होता है कोई इल्म ऐसा नहीं है जिसे इंसान मालूम करना चाहे मगर वो इन्हीं पांच दरवाज़ों से ही हासिल करता है बजुज बदेही बातों और हक ताला के इल्हाम के क्योंकि न इन में आफ़त जायज़ है और न इनके लिए पांचों हवासों की ज़रूरत है इन पांचों हवास के लिए सफाई और क़दूरत दोनों सिफतें हैं जिस तरह इल्मल और रुह के लिए कुदरत और दखल है इसी तरह नफ्सो हवा के लिए भी है क्योंकि ये तात मासीत और सदत व शिकावत के दरमियान सबब आलाय मुशतर है चुनाचे हक ताला की वलायतोियार इख्तियार समाओ बशर में ये है कि वो सच्ची बात सुने और देखे इसी तरह नफ्सो हवा की विलायत इख्तियार ये है कि वो झूठी बात सुने और शहवानी नजर से देखने के ख्वास्तगार रहे और जाया व शामा में विलायत हक ये है कि बुक्म इलाही की मवाफिकत और सुनत मुस्तफवी सल वसम की मुताबत में कारफरमा हो इसी तरह नफ्स फरमाने हक़ की मुखालफत और शरीय से मुनाफरत का तलबगार है इसलिए रोज़ादार को लाजिम है कि वो अपने हवासों को काबू में रखे ताकि मुखालफत के मुकाबला में मवाफिकत का जहूर हो और वो सही मानों में रोज़ेदार हो वरना खाने पीने का रोज़ा तो बच्चे भी रख लेते हैं और बूढ़ी औरतें भी रखती हैं हालांकि रोजा का हकीकी मकसद निफसानी ख्वाहिश और दुनियावी खेल कूद से बचना है चूँकि हक ताला फरमाता है

इसकी खातिर हीला बहाना पैदा फरमाया लिहाजा रुकना तो खेल कूद और हराम चीज़ों से चाहिए ना के हलाल चीज़ों के खाने से मुझे हैरत तो इस शख्स पर होती है जो कहता है कि मैं नफली रोज़ा रखता हूँ हालांकि वो फरैज़ की अदायगी से गाफिल है चूँकि मासीत ना करना फ़र्ज है और नफली रोज़ा रसूल सन्नत के सार मुतसिल और मलहक है फनाउजिल्कल लिहाजा जो शख्स मासीत से बचता है वो हर हाल में रोज़ेदार है इल्म बयान करते हैं कि हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी अलैह, जिस रोज़ पैदा हुए तो वो रोज़े से थे और जिस दिन दुनिया से रहलत फरमाए उस दिन भी रोजेदार थे किसी ने पूछा ये किस तरह बयान किया कि इनकी पैदाइश का वक्त सुबह सादिक था और शाम तक उन्होंने दूध ना पिया और जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो वो रोजे की हालत में थे ये बात हजरत अबू तलहा मालिकी रहमतुल्ला अलैह ने बयान फरमाई सौमे विसाल का मसला सौमे विसाल यानी मुसलसल और पैदर पैर रोजे रखने के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ममानत मروی है क्योंकि आपने जब सौमे विसाल रखा तो सहाबाए کرام نے بھی آپ کی موافقت میں روزے رکھنے شروع کر دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے तुम सौम्य विशाल ना रखो क्योंकि मैं तुम में से किसी की मानंद नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे रब के हजूर रात गुजारता हूँ वो मुझे खिलाता और पिलाता है अरबाब मुजाहिदा फरमाते हैं कि आपकी ये ममानियत शफकत व मेहरबानी के लिए है ना के नहीं ममानियत या हराम बनाने के लिए एक जमात ये कहती है कि साम्य विशाल सुनत कौले के खिलाफ है लेकिन हकीकत यह है कि विशाल बजात खुद नामुमकिन मुहाल है इसलिए कि दिन गुजर जाए तो रात में रोजा नहीं होता और रात को रोजे से मिलाए तो भी विशाल नहीं होता हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी अलैह की बाबत मनकूल है कि वो हर पंद्रह दिन के बाद एक मरतबा खाना खाते माह रमज़ान आता तो फितर तक कुछ न खाते इसके बावजूद रोज़ाना रात में चार सौ नमाजें पढ़ा करते थे ये हाल इंसान की अमकानी ताक़त से बाहर है बजुज्म शर्रब इलाही के ऐसा हो ही नहीं सकता है इसी की तइत से मुमकिन है और वही ताइद इलाही इसकी ग़ज़ा बन जाती है किसी के लिए दुनियावी नेमत गज़ाई होती है और किसी के लिए ताइद इलाही ग़ा हज़रत शेख अबू नसर सराज रहमत जिनको ताउसुल्फ़रा और साहेब लमा कहा जाता है जब माह रमज़ान आया तो बगदाद पहुँचे और मस्जिद शारनेजिया में एकामत फ़रमाई तो इनको अलहदा हुजरा दे दिया गया और दरवेशों की इमामत इनके सपुर्द कर दी गई चुनाचे ईद तक उन्होंने इनकी इमामत फ़रमाई और तरावीह में पांच क़ुरान ख़त्म किए हर रात खादिम एक रोटी इनके हुजरे में आकर इन्हें दे जाता ईद का दिन आया और वो नमाज़ पढ़कर चले गए तो खादिम ने हजरे में नज़र डाली तो तीसों यूं ही अपनी जगह पर मौजूद थीं। हज़रत अली बिन फरमाते हैं कि हज़रत हिफ़्स मौसी को मैंने देखा कि वो माह रमज़ान में पंद्रह दिन के अलावा कुछ ना खाते थे हज़रत इब्राहिम ऊधम अलैह की बाबत मरवी है कि वो माह रमज़ान में अव्वल से आखिर तक कुछ ना खाते थे हालांकि शदीद गर्मी का ज़माना था और रोज़ाना गंदम की मज़दूरी को जाया करते थे जितनी मज़दूरी मिलती थी वो सब दरवेशों में तकसीम कर दिया करते थे और रात भर इबादत करते थे नमाज़ें पढ़ते यहाँ तक के दिन निकल आता था वो लोगों के साथ इनकी नज़रों के सामने रहते थे लोग देखा करते थे कि वो ना कुछ खाते हैं और ना पीते हैं रात को सोते भी नहीं हज़रत शेख अबू अब्दुल्ला खफ़ीफ रहमतुल्ला की बाबत मनकूल है कि जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो उन्होंने मुसलसल चालीस चिल्ले काटे थे जब मैंने जंगल में एक बूढ़े को देखा जो हमेशा हर साल दो चिल्ले काटता था और जब हज़रत अबू मोहम्मद गजनबी रहमतुल्ला दुनिया से रुखसत हुए तो मैं उनके पास मौजूद था उन्होंने अस्सी दिन तक कुछ नहीं खाया और कोई नमाज बग़ैर हाजत के नहीं पढ़ी थी मुताखरीन के एक दरवेश ने अस्सी दिन रात कुछ न खाया और ना कोई नमाज बग़ैर हाजत के पढ़ी मरो की बस्ती में दो बुजुर्ग थे एक का नाम मसूद और दूसरे का नाम शेख बू अली सयाह था लोग बयान करते हैं कि शेख मसूद ने दूसरे बुजुर्ग के पास कहला भेजा के ये दावे कब तक रहेंगे आओ हम चालीस दिन एक जगह बैठें और कुछ न खाएं उन्होंने जवाब में कहलवाया आओ हम रोज़ाना तीन मरतबा खाएं और 40 दिन तक एक वजू से रहें ये मसला अपनी जगह दुशवार है चाहे लोग इससे ताल्लुक़ रख कर कहते हैं कि सोमो वसाल जायज़ है और इतबा इसका सिरे से इनकार करते हैं अब मैं इसकी मुकम्मल वजाहत करता हूँ ताकि ये शबहात रफा हो जाए और इसकी हकीकत वाज हो जाए सोमो विसाल की वजाहत, सोम विसाल रखना बगैर इसके कि किसी फरमान इलाही में ख़ल वाक़ हो करामत है और करामत का महल ख़ास होता है ना कि आम फिर जिसका हुक्म आम ना हो वो मामला हर जगह दुरुस्त नहीं होता क्योंकि अगर करामत का इजहार आम होता तो ईमान जबरी होता और आरिफों के लिए मार्फत में सवाब ना होता वसल्लम चूंकि साहेब मुआजा थे तो आपसे सौम विशाल बतौर मुआजा जाहिर हुआ और अहल करामत के लिए करामत के इजहार की ममानियत है और ये कि करामत में अकवा शर्त है जिस तरह मुआजे के लिए इजहार शर्त है ये फ़र्क मुआजा और करामत के दरमियान वाज है लिहाजा हिदायत याफ्ता के लिए इतनी ही वजाहत काफ़ी है चिल्ला कशी की असल मशाइ तरीकत की चिल्ला कशी की असल हज़रत मूसा सलाम के हाल से मुतल है क्योंकि उन्होंने बवक्ते मकालमा पहले चिल्ला कशी की और ये सही है कि मशाइ जब चाहते हैं कि बातिन में इज्जत से हम कलाम हो तो वह चालीस रोज भूखे रहते हैं और जब तीस दिन गुजर जाते हैं तो मसफाक करते हैं इसके बाद दस रोज़ मजीद गुजारते हैं बिला शक् व अल्ला बातिन अल्लाह साथ हम कलाम होता है इसलिए अम्बिया के लिए जो कुछ ज़ाहिर तौर पर जायज़ होता है वो सब ओलिया पर बातनी तौर पर जायज़ होता है लिहाजा हक तला के कलाम की समात जब तक तबीयत अपने हाल पर है जायज़ नहीं होती इसलिए चारों तबाह को चालीस दिन तक खाना पीना तर्क करके मगलूब करते हैं ताकि लतफ़ रूह और महब्बत की सफाई के लिए कामिल विलायत हासिल हो जाए इसी मवाफ़िकत में भूखे रहने और इसकी हकीकत के बयान में कुछ वजाहत पेश करता हूँ

बतन जायब्ला सब आबिद अल्लाह तला के नज़दीक भूके का शकम सत्तर आक़िल आबिदों से ज़्यादा महबूब है वाजे रहना चाहिए कि भूखा रहना तमाम उम्मतों और मिलतों के नज़दीक काबिल तारीफ है और बुजुर्गी कीमत क्योंकि जहरी लिहाज से भूखे का दिल ज़्यादा तेज़ और इसकी तबीयत ज्यादा पाकिज़ा और तंदरुस्त होती है खासकर वो शख्स जो ज्यादा पानी तक ना पिए और मुजाहिदे के जरिया तजकिया नफ्स करे इसलिए कि भूखे का जिस्म मतवाज और दिल खुशबू वाला होता है क्योंकि भूख नफ़सानी कवत को फना कर देती है हजूर अक्रम सल्लह वसलम का इरशाद है कि तुम अपने शिकमों को भूखा अपने जिगरों को प्यासा और अपने जिसमों को गैर आरास्ता रखो ताकि तुम्हारे दिल अल्लाह तला को दुनिया में ज़ाहिर तौर पर देख सकें अगरचे भूख जिस्म के लिए बला है मगर दिल के लिए जला है और अपने जिस्मों को ग़ैर आरास्ता रखना बातिन के लिए बका है जब बातिन लिका से हम हमकनार होकर जिसमें मुसफ़ा हो जाए और दिल पर नूर हो तो कैसा नुकसान शिकम सीर होकर खाने में कोई बला नहीं है अगर इसमें बला होती तो जानवर शिकम होकर ना खाते मालूम हुआ कि शकमसीर होकर खाना जानवरों का खाना है और भूखा रहना जानवरों का इलाज और यह कि भूख में बातिन की तामीर और शिकम सीरी में पेट की तामीर है जो शख्स बातिन की तामीर में कोशा रहता है वह हक तआला के लिए खास होता है और अलायक दुनिया से यकसू हो जाता है भला वो शख्स इस शख्स के कैसे बराबर हो सकता है जिसकी जिंदगी बदन की तामीर और जिसम ख्वाहिश की जिंदगी में गुजरती हो एक के लिए सारी दुनिया खाने के लिए चाहे और दूसरे के लिए खाना इबादत के लिए दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है मुक्तदमीन खाते थे ताकि जिंदा रहें और तुम जिंदा रहते थे ताकि खूब खाओ भूखा रहना सिद्दीकों की गजा मुरीदों का मसलक और शयातीन की कैद है अल्लाह तला की क़़ा क़दर के तहत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत से दुनिया में तशरीफ़ लाना और क़ुरब इलाही से इनका दूर होना एक लुकमा से था फ़ाका कशी की हैसियत जो शख्स भूखे से बेकरार हो दर हकीक़त व भूखा नहीं है इसलिए कि खाने वाले की तलब गज़ा के साथ है लिहाजा जिसका दर्जा भूख है वो ग़ज़ा के ना पाने की वजह से है न के गजा को छोड़ने की वजह से और जो शख्स खाना मौजूद होते हुए ना खाए और भूख की तकलीफ उठाए दर हकीकत वही भूखा है और शैतान की कैद और नफसानी ख्वाहिश की बंदिश भूखे रहने ही में है हजरत कतानी अलैह फरमाते हैं मुरीद की शर्त यह है कि इसमें तीन चीजें मौजूद हों एक यह के इसका सोना गलबा के बगैर न हो दूसरे यह के इसका कलाम ज़रूरत के बगैर न हो तीसरे यह के इसका खाना फ़ाका के बग़ैर ना हो बाज़ मशाइ के नज़दीक कम अज कम फाका दो दिन और दो रातों का होना चाहिए और बाज के नज़दीक तीन शबाना रोज और बाज के नज़दीक एक हफ्ता और बाज के नज़दीक एक चिल्ला का होता है इसलिए कि महक्कीन के, के नज़दीक सच्ची भूख हर चालीस शबाना रोज के बाद एक मरतबा होती है इसी दौरान जो बेचैनी और बेकरारी ज़ाहिर होती है वो तबीयत की शरारत और इसका घुमंड है अल्लाह ताला इससे महफूज रखे क्योंकि अहले मारफत की रगें सरासर इलाही होती हैं और इनके कलूब हक ताला की नज़र करम की तरफ होते हैं इनके सीनों में दिलों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और अक्लो हवा बारगा इलाही में पजमरदा हो चुकी होती हैं रूह अक़ल की मदद करती है और नफ्स हवा की जिनकी तबीयतें कसरत ग़ा से परवरिश पाती हैं इनका नफ्स कवी होता है और ख्वाहिश बढ़ती है और अज़ा में इसका गलबा ज्यादा फैलता है और इस फैलाव से हर रग में किस्म किस्म के हिजबात नमोदार होते हैं जब ग़जा का तलबगार नफ्स से हाथ खींचता है तो नफ्स बहुत कमज़ोर हो जाता है औरल ज़्यादा कवी हो जाती है और रगों से नफसानी क़वतें मुजमहल हो जाती हैं और इसके असरार ब्राहन ज्यादा जाहिर होने लगते हैं और जब नफ्स अपनी हरकतों से बेबस हो जाता है तो इसके वजूद से नफसानी ख्वाहिश फना हो जाती है बातिल इदारे इजहार हक में गुम हो जाते हैं तो इस वक्त मुरीद की हर मुराद पूरी हो जाती है हजरत अबू अब्बास कश्ब रहमुल्ला फरमाते हैं कि मेरी तात वाशियत दो शक्लों में मुनकसम है जब मैं खाता हूँ तो मासी का खमीर अपने में पाता हूँ और जब इससे हाथ खींच लेता हूँ तो तमाम तातों की बुनियाद अपने अंदर देखता हूँ भूखे रहने का समर मुशाहिदा है जिसका कायद रहनुमा मुजाहिदा है लिहाजा मुशाहिदे के साथ सीरी मुजाहिदे के साथ भूखे रहने से कहीं बेहतर है क्योंकि मुशाहिदा जमा मर्दों की जरमगाह है और मुजाहिदा बच्चों का खेल मुशाह हक के साथ सीरी लोगों के मुजाहिदे के साथ भूखे रहने से बेहतर है इस बहस में तवील गुफ्तगू है तवालत के खौफ से इसी पर ही इक्तफा करता हूँ आलम बसवाब